सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद काबरन। अभी हम सीधे जुड़ रहे हैं बाबूवही प्रखंड अंतर्गत छौरही गांव निवासी अविनाश कुमार से। अविनाश कुमार जो इन दिनों खेती काश्तकारी को लेकर मीडिया की सुर्खियों में हैं, हम ये बता दें कि अविनाश कुमार एमए इन जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन कर चुके हैं और जानकारी के मुताबिक सरकारी नौकरी भी उन्होंने किया है, लेकिन इन दिनों गाँव में रहकर खेतीबाड़ी करके न सिर्फ नाम कमा रहे हैं बल्कि दौलत के साथ शोहरत भी कमा रहे हैं और नौजवानों के लिए यह एक प्रेरणा बन चुके हैं। आइए हम स्वागत करते हैं सबसे पहले और मिलते हैं अविनाश कुमार से। अविनाश जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी शायद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, इन दिनों आप मीडिया की सुर्खियों में हैं और मीडिया की सुर्खियों में इसलिए हैं कि आप गांव में रहकर एक पढ़े लिखे एक ग्रेजुएट, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद आप गांव घर में आकर खेती को लेकर आपने एक मिसाल कायम कर दिया है और इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में, इसकी वजह क्या है, फिर कैसे यह बात क्या किया आपने ऐसा? देखिए, ये कोई जादुई काम नहीं है। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। वर्तमान समय में भी गांव में 70% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़कर अपना जीविका अर्जित करती है। तो हमने थोड़ा सा कृषि क्षेत्र में ही अलग करने का प्रयास किया कि आए दिन आप मीडिया में देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, आप लिखते भी होंगे और दिखाते भी होंगे कि किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, उनका खेती का जो है वो नुकसान में जा रहा है। तो मैं करीब भारत के 10 से अधिक कृषि विश्वविद्यालय और 25 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर आधुनिक खेती करने की प्रक्रिया को मैंने सीखा। तो निष्कर्ष ये निकला कि खेती की लागत कैसे कम की जा सकती है। जब तक खेती की लागत कम नहीं होगा तब तक किसानों का मुनाफा बढ़ेगा ही नहीं। और जो हमारे किसान भाई हैं खेती कर रहे हैं तो वो सबसे अधिक लागत ही लगा देते हैं। तो स्वाभाविक है, किसी भी व्यवसाय में यदि लागत अधिक लगेगा और मुनाफा कम होगा तो वो तो घाटे का सौदा होगा। जो मैं तकनीक अपनाता हूँ वो करीब 70-80 साल पुराना तकनीक अपनाता हूँ जिसमें लागत कम लगती है और मुनाफा अधिक होता है। क्या है उसको तकनीक, जैसे कुछ आप बताएंगे हमारे जो दर्शक हैं, दर्शकों को बताएंगे आप? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से किसान भाइयों को कि जो गोबर का कंपोस्ट डालते हैं वो घर का गोबर होता है, उसमें कोई लागत नहीं लगती है। शून्य बजट पर आप उस गोबर के माध्यम से जैविक खाद बनाकर आप अपने खेती को मजबूती दे सकते हैं और वैसा ही मैं करता हूं। अविनाश जी, आपका मैं रुख बदलना चाहूंगा। आप ये बताया कि आपने मास कम्युनिकेशन कर रखा है जी, और जानकारी मिली कि मास कम्युनिकेशन के बाद आपने पुलिस की नौकरी भी किया है आपने जी, थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों को कैसे आपने मास कम्युनिकेशन किया और फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले गए और फिर आप खेती में दिलचस्पी दिखाकर आपने नाम और शोहरत पैसा सब कमा रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए, पुलिस में भी रहकर मैं जनसेवा का कार्य करता था। सुरक्षा के लिहाज से समाज को मैं सुरक्षित रखता था और आज खेती के माध्यम से भी जन कल्याण का कार्य कर रहा हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि रासायनिक खेती और जैविक खेती, हाँ, तो मैं अविनाश जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कितने साल तक किया? करीब मैं पुलिस विभाग में 6 साल तक जॉब किया था, नौकरी की थी। अच्छा, उसके बाद आपने रिजाइन दे दिया, फिर आपने
अपने रूट को, अपने लाइन को चेंज किया आपने? हाँ, फिर हमने नौकरी छोड़ दी और छोड़ने के पश्चात मैं पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद में अच्छे मीडिया संस्थान में नौकरी भी मैंने की। अच्छा, आप अपने नौकरी भी किया है मीडिया मीडिया हाँ, के अच्छे मीडिया संस्थान में नौकरी भी की। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे जो आपका गांव है, तो गांव में जिस तरह से आप खेती कर रहे हैं, क्या आप कोशिश, क्या आपके खेती को देखकर गांव के लोगों में या फिर अगल बगल के लोगों में ऐसी उत्सुकता आई है? कुछ नौजवान लोगों को कुछ सबक मिला है आपसे? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आसपास के क्षेत्रवासियों को जानकारी देना चाहूँगा कि मैं एक संस्थान का संस्थापक हूँ, शबला सेवा संस्थान। क्या बताया आपने? शबला सेवा संस्थान। शबला सेवा संस्थान क्या है, संस्था का क्या है, इसके बारे में बताइए आप। संस्थान, इस संस्थान का जो मुख्य कार्य है कृषि क्षेत्र का कार्य है। ये इस संस्थान से 7 राज्यों में करीब 20,000 किसान जुड़े हुए हैं और मैं इस संस्थान का संस्थापक हूँ। ठीक है ना? हमको लगा कि नहीं, हमारे गांव में खेती तो होती है, लोग मेहनत कसी हैं, लेकिन उनकी फसल उपज की जो कीमत होनी चाहिए वो गांव में नहीं मिल पाता है। तो इस संस्थान के माध्यम से उस उपज को किसानों से खरीद कर मैं बड़े शहरों में पहुंचाता हूं। जी, ये अविनाश जी, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि आप वेल क्वालिफाइड होने के बाद जो आप कृषि, जो एग्रीकल्चर के काम को आप कर रहे हैं, आपके घर के जो फैमिली मेंबर्स होंगे, उन लोग, वह लोग जो घर के मेंबर्स हैं, वो कितना, कैसे प्रोत्साहित करते हैं आपको, क्या कहते हैं आपको, आपकी खेती बाड़ी से कितना खुश हैं वो? मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, अब वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। मैं 3 भाई हूँ, मेरे 2 भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जो बीच वाला भाई है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है, शबला लैब प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये दुबई में रहता है। दुबई में रहता है? हाँ, दुबई में रहता है, लेकिन 100 परिवार, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग खेती में कहीं ना कहीं हम मेरा सहयोग करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर, मेरा दोनों भाई है, वो मुझे नई तकनीक के माध्यम से मेरे कृषि उत्पाद का वो प्रचार प्रसार करते हैं और अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ते हैं। अच्छे अविनाश जी, आपके जो बच्चे होंगे, अभी जो आपके बच्चे हैं, क्या चाहेंगे आप भविष्य में, उन्हें, उन बच्चों को, मासूम बच्चों को कौन सा फैकल्टी देना चाहेंगे आप, आने वाला कल जो उसका होगा, क्या ख्वाब देखा है आपने? नहीं, मैं तो अपने बच्चों को किसान ही बनाऊंगा। ये तो मैं आपके माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से भी मैं यह बात कह चुका हूँ। किसान तो यहाँ पे मेरा मानना है कि जो लोग खासकर जो बिहार में हैं, बिहार में जो लोग हैं, वो उनका कहीं ना कहीं लगाव किसान से, काश्तकारी से होता ही है, कमो बेश होता है। और जैसा कि आपका बैकग्राउंड देख रहे हैं, पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में, आप भी गवर्नमेंट जॉब में, भाइयों के बारे में बताया आपने, सब अच्छे अच्छे अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं, और फिर आप भी एक अच्छे वेल क्वालिफाइड होने के बाद, नौकरी का मजा चखने के बाद, फिर आप जो है ये नौकरी से बेहतरीन नौकरी कर रहे हैं, जिसमें जो है न सिर्फ गांव बल्कि जिला और पूरे बिहार के साथ जो है हिंदुस्तान में ये पैगाम जा रहा है एक तरीके से कि खेती भी जो है बहुत ही लाभदायक है और फ़ायदेमंद है। आखिरी से मैं एक सवाल करूँगा आपसे, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो आजकल कहते हैं कि पढ़ लिख कर हम बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या पैगाम दीजिएगा आप? मैं तो उनसे निवेदन करूंगा और मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि खेती से अच्छा व्यवसाय इस दुनिया में कोई भी व्यवसाय नहीं है।
कम समय में जितनी भी आप पूंजी लगाते हैं वो 90 से 120 दिन में लगभग 40% का रिटर्न आपको देता है। किसी भी खेती का मेरे विधि से यदि आप करते हैं कैलकुलेशन देख लीजिए, 40% का रिटर्न मिलता है 120 दिन में। तो कोई दुनिया में ऐसा व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है जो कि 40% रिटर्न दे पैसे की तुलना में। मान सम्मान भी मिलता है, साथ में आपको रासायनिक चीजों को नहीं खाना है, आप अपना खेती से जैविक वस्तु की पैदावार करें और स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ बनाएं। अविनाश कुमार जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। आप मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, और क्या कभी अब तक जिला प्रशासन आपके इस काम को देखकर, इस कार्य को देखकर, कभी जिला से कोई प्रोत्साहन या फिर कोई यहाँ के बड़े अफसर जो किसी कृषि विभाग के हो, उन्होंने मिलकर आपसे बातचीत किया इसके बारे में? नहीं, ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा है कि ये अभी आपके तक लिए मैं दुर्भाग्य का इतना विषय नहीं बड़ा। रहा है, मेरा मानना है कि ये प्रशासन के लिए भी दुर्भाग्य का विषय रहा है। जो सरकार करोड़ों करोड़ खर्च करती है खेती को बढ़ावा देने के लिए, आज आपकी इस बात को सुनकर मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि इस प्रशासन को यह पता नहीं है कि किस गांव में कहां कैसे लोग रहते हैं जो खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जिला प्रशासन जरूर आपसे मिले, ताकि आप एक आइडल बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मैं आपको भी आपका आभारी हूँ। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल हिंदुस्तानी मीडिया एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।